ठीक है टू परचेसेस टू इनपुट सी टी एस टी टू इनपुट एस टी एस टी उस केस में भी आपने अपने पेड टैक्स को रिवर्स कर देना है आपने अपने पेड टैक्स को क्रेडिट कर देना राइट एनी डाउट किसी को कुछ पूछना है सात या आठ पॉइंट्स के बारे में हाँ वो नोट लिखा है कि अगर अगला वैसे वो भी आपको पता ही होना चाहिए अगर परचेज रिटर्न के केस में

आपके यहां तो अपने पास रहा या आपने चैरिटी में दे दिया या पड़ा पड़ा खराब हो गया उस केस में इनपुट को क्रेडिट करना आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदरवाइज वो आपके बुक्स ऑफ में डेबिट ही खड़ा रहेगा आपने उसे क्रेडिट करके उतना खत्म कर देना जितने का नुकसान हुआ है या जितना आपने खुद यूज किया है या जितना आपने वापस कर दिया है अपने सप्लायर ठीक है सो दीज वार दाइलाइटिंग पॉइंट शेयर नाउ यस अगला पॉइंट जब तक हम नहीं पढ़ेंगे ना वी कांट कम टू नो अबाउट द टेक्निक्स ऑफ ऑल द जर्नल एंट्रीज अभी तक मैंने डिस्कस किया किन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता देन मैंने वो पॉइंट्स डिस्कस किए जिनमें आपने जीएसटी पे तो किया था लेकिन वो आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता आपने उसे रिवर्स कर देना है। अब कई चीजें क्या है रिवर्स से भी पॉसिबल नहीं रिवर्स कैसे नहीं पॉसिबल आपने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया

आपने किसी होटल और रेस्टोरेंट से उसके लिए अपने कस्टमर्स के लिए खाना मंगवाया तो आपने लिखा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस इनपुट सी जी एस टी डेबिटेड इनपुट एस एस टी डेबिटेड टू कैश उसका कुछ भी पॉसिबल नहीं है सेट ऑफ हो नहीं सकता क्रेडिट कर नहीं सकते बिकॉज वो तो आया चीज कंज्यूमेबल आइटम थी कंज्यूम होगी बस खत्म तो उसने अगले का गुड्स और सर्विसेज ऑन विच जीएसटी पेड बी सेट ऑफ आप पेमेंट तो कर देते हो ऐसे खर्चों की लेकिन उसकी सेटिंग ऑफ आउटपुट के अगेंस्ट नहीं हो सकती ना ही उस इनपुट को मैं क्रेडिट कर सकती हूँ जैसे ऊपर वाले सेवन केसेस में किया राइट right? तो कुछ केसेस वी विल डिस्कस नाउ अगेन देयर इज एट पॉइंट्स देयर आर एट पॉइंट्स लेट्स सी गुड्स और सर्विसेज ऑन व्हिच जीएसटी पेड कांट बी सेट ऑफ मींस उनको मैं आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकती गुड्स और सर्विसेस विच जीएसटी पेट आप पेमेंट तो कर चुके होते हो अपने जीएसटी की पेट कांट बी सेट ऑफ उसे आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते कांट बी सेट ऑफ क्योंकि वो चीजें आपकी अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है आप मार्केट में रेस्टोरेंट से मंगवाया गया खाने को आगे बेचे को थोड़ी ना तो आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट कैसे होगा

आ, किसी सोल प्रोप्राइटर का हो बड़े बड़े बिजनेस का सोल प्रोप्राइटर भी अगर जीएसटी की एंट्री करता है तो ऐसा खर्चा जब कभी वो पचास सौ रुपए इन चीजों पे खर्च करेगा तो वो सेट ऑफ नहीं हो सकता ठीक है बिल में आप जरूर डालोगे सीए उस बिल की चेकिंग भी जरूर करेगा लेकिन इसकी सेटिंग ऑफ पॉसिबल नहीं है राइट आगे चलते हैं यस पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस चीजें क्रैम करनी पड़ेगी हेल्थ इंश्योरेंस किसका होगा हेल्थ इंश्योरेंस किसका होगा

लेकिन इनकम उससे आपको कोई नहीं होने वाली जो खर्चा है और उससे रिलेटेड इनकम भी होने वाली है उसी का सेट ऑफ पॉसिबल ठीक है जो सिर्फ आपने खर्चा कर दिया और उससे कोई इनकम जैसे मैंने फूड एंड बेवरेजेस खरीदे मेरे को इससे कोई इनकम थोड़ा खर्चा बस चला गया यू आर गेटिंग मी तो उसका कभी भी सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है अगला भी यू यू टेल मी द लॉजिक आपको समझ आ गया मेरे को लगता है थर्ड पॉइंट खुद पढ़ो और मेरे को लॉजिक बताओ क्यों इसका सेट ऑफ पॉसिबल है

ज इट पॉसिबल टू एडजस्टेड अगेंस्ट एनी आउटपुट नो कोई भी फिटनेस कैंप के लिए आपने कोई फी दी है अपने एम्प्लॉयज के लिए होता है ना आजकल अपने एम्प्लॉयज को मेंटली और फिजिकली फिट रखना इज ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर सो नाउट एडेस्ट गवर्नमेंट एवं फोकस कि कभी ना कभी उनके लिए कुछ ऐसे कैंप्स वगैरह अरेंज जरूर करवाओ ताकि वो फिजिकली और मेंटली फिट रहे सो यू स्पेंड ऑन दट बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट यू टेल मी कैन इट बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी आउटपुट

येस दिस यू विल अपलाई यूर माइंड एंड टेल यू एक्सपेंडिचर ऑन द मेंस ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेस मीन व्हाइट वॉश वगैरह करवाई बिल्डिंग बताओ कैन इट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनीथिंग यू स्पेंट मीन यू स्पेंट मेंटेनेस यू ना रिपेयर वगैरह कैसी टूटी फूटी थी साल के बाद मैंने रिपेयर करवाई दो सालों के बाद मैंने व्हाइट वॉश करवाईन टू हूम आई पेडिचर ऑफ वाइट वॉश बी रिटर्निंग बैक एनी टू मी दिस इज फॉर द फर्निशिंग ऑफ माई और फिनिशिंग ऑफ माई बिल्डिंग

ठीक है वहां पे वो कौन पे करता है वैसे आमतौर पे सेलर पे करता है हमारा टैक्स राइट right? अब यहां पे बिल्डर थोड़ी ना पे करेगा हमारे ऊपर जिस भी बिल्डर से या किसी लेबर से मैंने वाइट वॉश वगैरह करवाई ठीक है तो उसने पचास हजार का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है पचास uh -huh. हजार से लिया तो आर नॉट गोइंग टू पास एंट्री गेटिंग मजदूर लोग थोड़ी ना जीएसटी की एंट्री पास करेंगे

तो वो बस की परचेज बाई आ नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी है अगर ओला कैब वाले कार्स खरीदते हैं तो वो परचेस ऑफ कार या मोटर व्हीकल बायर ट्रांसपोर्ट कंपनी है दोनों में डिफरेंस है बिल्कुल ठीक है वो सर्विस के लिए है तो वहां पे आउटपुट पॉसिबल है आउटपुट किराया लेना है, उस इंजर से. अगर है जब वो खरीदेंगे तो इनपुट को कोई, कोई गाड़ी खरीदी तो गाड़ियों से तो कोई इनकम नहीं ना होने वाली उनको ओला कैब को तो गाड़ियों से इनकम होनी है तो आउटपुट डायरेक्टर रिलेटेड है इनपुट से अगर गाड़ी की परचेज के ऊपर खर्चा किया है तो गाड़ी से ही उन्हें इनकम होनी है वहां पे इनपुट और आउटपुट सेट ऑफ हो सकते हैं लेकिन अगर वही गाड़ी किसने खरीदी है किसने स्कूल ने खरीदी है या किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने खरीदी है तो वो नॉन ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस खरीदी है फॉर तो नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो वहां पे सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है वहां पे इनपुट ही डेबिट रहना मैंने बोला एम्बुलेंस डायरेक्ट इनकम थोड़ी ना वो तो हॉस्पिटल की सर्विसेज में आना है ना बिल में एम्बुलेंस के चार्जेस एड करने एंबुलेंस का अलग से थोड़ी ना होगा अब स्कूल है स्कूल के भी बसेस के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं लेकिन डायरेक्ट इनकम ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ी ना हो रही स्कूल की फीस में ट्रांसपोर्टेशन ऐड हो रहा है ठीक है इसको इस तरह से आपने करना इसी तरह से टेक्सटाइल फॉर्म ले लो दे आर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ तो दे आर कीपिंग द व्हीकल्स विद वे देम अब वो भी उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज तो करना बट दे आर नॉट ट्रांसपोर्टिंग कंपनी लाइक स्कूल इज नॉट अ ट्रांसपोर्टिंग कंपनी हॉस्पिटल इज नॉट अ ट्रांसपोर्टिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट अलग होते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन का पता है ना आपको जो किराए के ऊपर गाड़ियां ही हायर करते हैं देते हैं आगे वो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं तो उनका बिजनेस ही है। उनका बिजनेस अगर ये तो गाड़ियों की, की उपर, अगर उन्हें पे किया, तो directly, direct बाकी सारी एग्जाम्पल मेरा स्कूल हो गया हॉस्पिटल हो गया या कोई टेक्सटाइल फार्म हो गई उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट देयर बिजनेस इज समथिंग एल्स देन इनपुट पेड इज नॉट सेट क्लियर तो ट्रांसपोर्ट no में आपने याद रखना है इनपुट पेड कांट बी सेट ऑफ फ्री गिफ्ट टू स्टाफ दिवाली के दिनों आपने अपने स्टाफ के लिए कोई गिफ्ट दे दिया उन्हें बाजार से खरीद के लेके आए आप खरीद के लेके आए तो आपने इनपुट पे किया फॉर एग्जाम्पल आपने उन्हें लैंप्स दिए हैं इलेक्ट्रिकल लैंप्स दिए हैं टेबल लैंप्स दिए हैं तो यू बॉट फॉर देम थाउजेंड पीसेस आप खरीद के लेके आए थाउजेंड इम्प्लॉइज हैं आपकी कंपनी में यू पेड इनपुट कैन यू एडजस्ट इड अगेंस्ट एन आउटपुट गिफ्ट के अगेंस्ट क्या आउटपुट होना भाई इट कांट बी सेट ऑफ वेन यू प्रोवाइड द गिफ्ट टू यंट बी सेट ऑफ राइट लाइक डोमिनोज हाँ वो तो रिफ्रेशमेंट के केस में ही आ जाएगा ना ठीक है जी अमित आगे चलो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कन्शन रिपीटेड है ड्रॉइंग्स आपने सामान खरीदा ये डायरेक्टली ड्रॉइंग्स नहीं है अपने सामान खरीदा अपने यूज के लिए बिजनेस के यूज के लिए नहीं लेकिन पैसा बिजनेस का यूज किया ठीक है जैसे कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए रेंट पे किया अपने घर का तो उसके इसमें भी आगे उसका कोई आउटपुट होना नहीं है तो उसको हम लोग किसी भी आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते अगला पॉइंट आप पढ़ो आपको समझ आता है अगर आपने कोई ऐसा सामान खरीदा है आगे सेल के लिए लेकिन वो ऑलरेडी जीएसटी से एक्समटेड था कौन सा सामान खरीदा सेल के लिए जैसे सेल टू तो गवर्नमेंट एक्समटेड फ्रॉम टैक्स

और ज्यादा हा में हा में नहीं मिलाई क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं समझ आएगा कल को मैंने एंट्रेंस में बोलना है कि वहां पे हमने पढ़ा था ना नाउ आई एम दिस रूल अगर आपने ये वाला पॉइंट नहीं मेरे को सुने या आपने समझने की कोशिश नहीं करी यू विल यूर अलॉट वेन आई विल बी स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल पोर्शन और कल मोस्ट प्रॉबली स्टार्ट द न्यूमेरिकल आगे वाली थेरी, करोगे तो साथ साथ समझ आनी शुरू हो जाती ठीक है सो so घर जाके ये वाला सारा जो पेज है ना जिसमें तीन अलग अलग टॉपिक है दोबारा से पढ़ना Try to fix the things in your mind, right? Rest of the things we will continue tomorrow. Isha Thakur. Yes, ma'am. Take attendance. Lely attendance.